सरकार कह रही है भाई हमने जितनी एमएसपी बढ़ाई किसी ने नहीं बढ़ाया, किसान सम्मान निधि हमने दी, किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिया, सब हमने कर दिया। अभिमन्यु कोहार, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है गरिमा जी, हमने तो आज तक जो पढ़ा था, सुना था, समझा था, A2 A2+FL और C2 फार्मूले के बारे में सुना था, लेकिन आज भाजपा के प्रवक्ता C1 फार्मूला भी ले आए, तो उसके बारे में भी ये थोड़ी सी जानकारी रखें, ये C1 फार्मूला कौन सा है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी जो 12 डिमांड का जो चार्टर है उसमें एक बड़ी मांग ये है कि फसल बीमा योजना में सुधार होना चाहिए और एक गांव को एक यूनिट मानने की बजाय एक खेत को, एक एकड़ को एक यूनिट माना जाना चाहिए, लेकिन ये फसल बीमा योजना में एक गांव को यूनिट मानते हैं। जहां तक बात है भाजपा सरकार की, देखो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, अभी इस आंदोलन के दौरान जिन अधिकारियों ने सरकार के आदेश पर गोलियां चलाई थी उनको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो किसानों में और सरकार में भरोसा कहां से कायम हो जाएगा? और ये वही सरकार है गरिमा जी, 5 सालों में वित्त मंत्रालय ने जितना बजट कृषि मंत्रालय को दिया 5 सालों में इन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपया वापस भेज दिया कृषि मंत्रालय ने। अरे माननीय कृषि मंत्री जी, जितना आपको दिया गया माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से कम उतना तो किसानों के लिए इस्तेमाल कर लेते, आपने उसमें से भी 1,00,000 करोड़ रुपया वापस भेज दिया। वो 1,00,000 करोड़ रुपया मोर देन सफिशियंट था एमएसपी गारंटी कानून के लिए। 2020-21 में जो टोटल बजट का, जो कृषि का बजट था, वो 4.56% था, वो घटाते घटाते पिछले साल ये 2.56% पे ले आए, अब की बार उसमें मामूली सी बढ़ोतरी करके उसको 3.15% कर दिया गया। भाई हम देश की 55-60% आबादी बनाते हैं तो कम से कम 5-10% तो हमारे लिए बजट होना चाहिए ना। लेकिन अभिमन्यु ये बताइए कि आप राहुल गांधी से मिले, लेकिन सरकार तो एनडीए की है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, कानून तो वही बनाएंगे। गरिमा जी 2014 से लेके 2024 तक इनको मेमोरेंडम दे दे के हमने इनकी अलमारियां भर दी। हाँ। इनकी वो जितनी भी फाइल जहां ड्रॉर में रखते हैं वो सारी हमारे मांग पत्रों से भरी हुई होंगी। प्रधानमंत्री जी तो मिलने का समय ही नहीं देते हैं, पिछले 10 साल में किसी को मिलने का समय नहीं दिया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप किसानों के मुद्दों पे बात कीजिए, जब भी आपकी सरकार न्योता देगी हम मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात गरिमा जी, जो एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि भाई एमएसपी गारंटी कानून से 17,00,000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, अभी 2 दिन पहले हमारा एक सम्मेलन था जिसमें माननीय देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी और प्रकाश कामारेड्डी जी, बहुत सारे एक्सपर्ट आए थे। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं, क्राइसिल की अभी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि 2022-23 में अगर सरकार मात्र 21,000 करोड़ रुपया खर्च कर देती तो एमएसपी गारंटी कानून किसानों को मिल सकता था। 21,000 करोड़ रुपया। एक पोर्टल है eggmark.net, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसपे ये जानकारी डेली आती है कि भाई किस मंडी में भारत की कितने रेट में किसान की फसल बिकी। तो उसके ऊपर कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों ने उसकी रिसर्च की eggmark.net से डाटा लेके, उन्होंने ये कहा कि 26,452 करोड़ रुपया 2022-23 में मोर देन सफिशियंट थे एमएसपी गारंटी कानून के लिए 23 फसलों पे। नहीं, उन्होंने कहा 15 फसलों के बारे में। अच्छा। मेजर फसलें थी 15 फसलें। हमने, हमारी टीम ने गेहूं के ऊपर रिसर्च करी कि गेहूं में टोटल कितनी प्रोडक्शन थी 2022-23 में, 1,105,000 मीट्रिक टन थी। हाँ। सरकार ने प्रोक्यूर किया 262,00,000 मीट्रिक टन, जो किसान अपने घर में ही इस्तेमाल करता है, चाहे वो बीज के लिए इस्तेमाल करे या वो अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करे या अपने मजदूर भाइयों को दे या फिर जो लॉस हो जाता है वो ट्रांसफर करते समय खेत से मंडी तक, वो टोटल भी हमने निकाला, उसमें लगभग 450,000 मीट्रिक टन उसमें चला जाता है। सरकार ने, सबसे महत्वपूर्ण बात गरिमा जी, 2022-23 में भारत सरकार ने ई ऑक्शनिंग के माध्यम से 71,00,000 मीट्रिक टन गेहूं बेचा और जो उसका स्टार्टिंग प्राइस था वो 21,250 रुपया प्रति टन था, जो उस साल का एमएसपी था। सरकार ने कहा कि जो प्राइवेट बोली होगी ये इससे ऊपर होगी, उसके बराबर या उससे नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी सरकार ने 71,00,000 मीट्रिक टन बेच के सरकार ने कमाई करी है। हाँ। तो जो टोटल हमने निकाला, अगर गेहूं का एक एक दाना सरकार भी खरीद ले तो 14,403 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। 14,403 करोड़ रुपए सिर्फ एक फसल के लिए, सबसे इसके जी, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, टोटल आपने कह दिया कि जो 23 फसलें जिसमें दलहन तिलहन भी है, जो मात्र कुछ प्रतिशत उगाते हैं देश के किसान, वो टोटल मिला ले तो आप कह रहे 26,000 करोड़। हाँ, वो 15 फसलों की 26,000 करोड़। क्राइसिल का अपना डाटा है 21,000 करोड़। एक लास्ट में एक मैं महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड कर दूं गरिमा जी, देखिए एक और रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 5 सालों में ज्यादातर फसलों का 3 बार
जो उनका रेट था वो एमएसपी से नीचे गया, और वो भी साल में एवरेज जो निकाली 52 डेज के लिए 52 दिनों के लिए गया, क्योंकि जब प्रोडक्शन होती है एकदम से उस समय वो नीचे जाता है। अच्छा ठीक है, अभी मजे ठीक है, 26,000 करोड़ पर बात आकर टिकती है क्या, लेकिन अभय दुबे